लिक्विड डाला जाता है तो क्या होगा इधर का रेडियस देखिए ज़्यादा है तो इस कंडीशन में यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम आ सकता है तो उस कंडीशन में देखिए कुछ ऐसा शेप बन जाएगा तो लिक्विड कुछ ऐसा ऐसा शेप बना लेगा और दोनों के जो वाटर लेवल है उसमें क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा अब दोनों के वाटर लेवल में डिफरेंस कितना होगा देखिए ये जो डिफरेंस होगा ये होगा एच दोनों का वाटर लेवल का डिफरेंस कितना होगा एच होगा ये h का वैल्यू हमें निकालना है कि h कितना होगा सो so, देखिए हम क्या करेंगे दो पॉइंट लेंगे सबसे पहले पॉइंट a ये पॉइंट a यहाँ ले लेते हैं ये पॉइंट b दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस देखिए पॉइंट a पर प्रेशर देखते पहले pa कितना होगा देखिए pa क्या होगा p0 2t r 2t r1 मान लेते रेडियस r1 तो 2t r1 पी भी कितना होगा क्योंकि ये वाला जो कॉन्केव सरफेस होता है वहां टूटी अपन आर वन प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स सरफेस में कम होता है उस कंडीशन में रखा माइनस अगर हम पी ए निकाले तो ये कितना पी बी पी ये आना चाहिए पीबी माइनस पी ए आना चाहिए टू टी अपन आर वन माइनस टू टी अपन आर टू अब एक चीज और पता है हमें जो ये वाटर कॉलम है ये एच हाइट का डिफरेंस है तो एच हाइट के वाटर कॉलम का जो प्रेशर होता है कितना रोजी एच होता है सो टू टू टी वन 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 अपॉन अपॉन आर आर इक्वल्स एच का वैल्यू निकलेगा कितना टू टी अपॉन रोजी मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन आर वन माइनस वन अपन आर टू So, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी थ्री टेन की पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड इंटू जी इंटू वन अपॉन वन पॉइंट फाइव माइनस वन अपॉन थ्री इंटू टेन की पावर थ्री सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आएगा फोर पॉइंट एट सिक्स एम एम